ये जो छठ और दिवाली का पर्व आता है, इसमें नॉर्दर्न रेलवे में और विशेष रूप से हमारा जो दिल्ली डिवीज़न है, यहाँ से बहुत सारे हमारे यात्रीगण पूरी राज्यों में जाने के लिए यात्रा रेल से यात्रा करते हैं। इस साल हम लोगों ने इसके लिए विशेष अरेंजमेंट करे हैं और हमारे जो दो सबसे बड़े स्टेशन हैं, नई दिल्ली और आनंद विहार, यहाँ हम लोगों ने पिछले साल के मुकाबले में करीब 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करे हैं। पिछले साल हम लोगों ने करीब 138 ट्रेनें चलाई थी इस 13 दिन के समय में। इस बार हम लोगों ने 195 ट्रेनें ऑलरेडी अनाउंस करी हुई हैं जिनकी बुकिंग हो रही है, उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके अलावा हम लोगों ने 18 रेक्स और रेडी करके रखे हुए हैं कि अगर हमें कभी भी लगता है कि आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो हम बहुत शॉर्ट नोटिस पर एक्स्ट्रा ट्रेन चला सकते हैं। इस बार हम लोगों ने एक विशेष प्रयास ये किया है कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना हो और जब ट्रेन आए तो एक भगदड़ की समस्या नहीं हो। इसके लिए हम लोगों ने पहली बार बहुत बड़े होल्डिंग एरिया पैसेंजर को प्लेटफॉर्म के बाहर क्रिएट करे हैं, नई दिल्ली पे और आनंद विहार दोनों जगह पे। और हम लोगों ने रिजर्व पैसेंजर के लिए अलग और अनरिजर्व पैसेंजर के लिए अलग एरिया क्रिएट किया है और उनका अलग अलग एक कलर स्कीम बनाई गई है जिससे लोगों को उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो जो लोग आएंगे हमारे, पहले हम लोग उनको यहाँ पे रोकेंगे। इस एरिया के बाहर हम लोगों ने काफ़ी बड़ा टिकटिंग सेंटर क्रिएट किया है जहाँ पर हम लोग टिकटिंग विंडो के द्वारा भी और ATM मशीन के द्वारा भी टिकट बेचेंगे। और इसमें जो पेमेंट है वो कैश से भी किया जा सकता है, UPI से और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जा सकता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से ट्रेन चलाने की जगह जो पूरी क्षेत्र की जाने वाली ट्रेन है, सभी ट्रेनें हम लोग 16 नंबर प्लेटफॉर्म चलाएंगे जिससे यात्रियों को FOB पर चढ़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम लोग सभी पैसेंजर को बाहर रोकेंगे और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी उसके बाद ही पैसेंजर को वहाँ भेजा जाएगा जिससे कि प्लेटफॉर्म पर भगदड़ नहीं मचे। दूसरा हम लोगों ने ये किया है कि जितने भी रिजर्व पैसेंजर और अनरिजर्व को प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रखा जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने अनरिजर्व कोचेस को सभी को ट्रेन में पीछे की तरफ लगाने का निर्णय किया है जिससे कि लोग प्लेटफॉर्म पे जाके आगे पीछे नहीं मूव करेंगे। दूसरा, इस पीरियड में हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रखते हैं, लेकिन हमारे कुछ यात्रीगण ऐसे होंगे जिनको कि कुछ ना कुछ सहायता की ज़रूरत होगी, जैसे सीनियर सिटीजन है या कोई दिव्यांगजन है, तो हमारे वॉलंटियर रहेंगे जो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये यात्री अपने कोच तक सुविधा से पहुँच पाए। 123 नई ट्रेनें स्टार्ट हुई हैं। दूसरा, हम लोग करीब 195 फेरे जो हम लोगों ने अभी अनाउंस करे हैं, इसको मिला के हम लोग करीब 170,000 एक्स्ट्रा बर्थ प्रोवाइड कराएंगे इस साल, जिसमें से 54,000 जो सीटें हैं वो अनरिजर्व श्रेणी के यात्रियों के लिए। सर, उत्तर रेलवे की तरफ से रेलवे और उनके यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जो हमारे यात्री प्लेटफॉर्म पर पहुँचेंगे वहाँ भीड़ नहीं हो और भगदड़ नहीं मचे, उसके लिए हम लोगों ने सेग्रीगेट करने का, प्लेटफॉर्म के बाहर अलग अलग एरिया में रखने का, और इस पर नियंत्रण रखने के लिए या नज़र रखने के लिए हमने हमारे 4 मुख्य स्टेशनों पे करीब 150 CCTV कैमरे एक्स्ट्रा लगाए हैं और वो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और इन कंट्रोल रूम को हमारे अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे मॉनिटर करेंगे। उसके अलावा यात्रियों को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है उसके लिए हम अपने दोनों मुख्य स्टेशनों पर एक्स्ट्रा मेडिकल सेंटर्स बनाएंगे जो 24 घंटे हमारे डॉक्टर और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ उसको मैन करेंगे। और यहाँ पर हम लोग करीब 1340 एक्स्ट्रा RPF के स्टाफ डिप्लॉय कर रहे हैं और 270 एक्स्ट्रा हम कमर्शियल स्टाफ डिप्लॉय कर रहे हैं। इन सभी को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को ये लोग हैंडल करने में सक्षम रहे।